सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार एक स्वायत्त ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का नाम होगा। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए पीएम मोदी ने कल संसद में ऐलान कर दिया। दिल्ली चुनाव से महज 72 घंटे पहले पीएम मोदी का ये ऐलान बेहद ही अहम फैसला है। इस ऐलान के बाद से पूरे देश में हलचल बढ़ गई है। पीएम मोदी ने इधर ट्रस्ट के गठन का ऐलान किया तो उधर गृह मंत्री अमित शाह ने ट्रस्ट की पूरी रूपरेखा बता दी। इस ट्रस्ट का नाम होगा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। इस ट्रस्ट में कुल 15 सदस्य होंगे जिनमें 9 स्थायी और 6 नामित सदस्य रखे जाएंगे। केंद्र की मोदी सरकार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के बीच एक करार भी हुआ है जिसके तहत ट्रस्ट मंदिर निर्माण से जुड़े हर फैसले लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। गठन के बाद ट्रस्ट को केंद्र सरकार की ओर से 1 रुपए का नकद दान भी मिला और ये ट्रस्ट को मिला पहला दान बताया जा रहा है। केंद्र सरकार की ओर से ये दान ट्रस्ट को गृह मंत्रालय में अपर सचिव डी मुर्मू ने दिया। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही ट्रस्ट के ऐलान की घोषणा हुई अयोध्या के संतों की राय आनी भी शुरू हो गई और इस राय में कुछ संत नाराज हैं तो कुछ संतों ने मोदी सरकार के इस फैसले का तहे दिल से स्वागत भी किया। स्वागत योग्य है उनकी घोषणा क्योंकि यह प्रतीक्षा रही और जो 3 महीना का समय बीतता जा रहा था त्यों त्यों निराशा आती रही कि कहीं ऐसा नहीं है कि 3 महीने के अंदर यदि यह ट्रस्ट की घोषणा नहीं होती है तो पुनः इसके प्रयास करके और समय लेना पड़ेगा। लेकिन प्रधानमंत्री ने तत्परता के साथ जैसे आज ने ट्रस्ट की घोषणा कर दी है इसलिए सारे रास्ते साफ हो गए हैं राम मंदिर के लिए। अब निश्चित है श्री राम भगवान का भव्य मंदिर बनना शुरू हो जाएगा। देखिए सवाल यहाँ अयोध्या का है, राम जन्मभूमि का है, बाबरी मस्जिद का है। ट्रस्ट की घोषणा जो है हो गई है, बड़ी अच्छी बात है। इसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हैं। हमें चाहते हैं कि मस्जिद की जमीन के लिए भी जो है कहा गया है कि जमीन 5 एकड़ जमीन दी जाएगी। मोदी जी का सारा कार्य सराहनीय है, जो ट्रस्ट बना वो भी बहुत ही सुंदर है। अच्छा ही है, जो भी कार्य कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं, राष्ट्र के हित में हम लोग स्वागत करते हैं, बड़ी प्रसन्नता है। माननीय भारत के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने ट्रस्ट का घोषणा किया, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद और स्वागत है दिगंबरा खाड़ा की तरफ से और पूरे साधु समाज से। ट्रस्ट घोषणा करने के बाद अब उनसे हम लोग यही निवेदन कर रहे हैं या सलाह दे रहे हैं कि राम जन्मभूमि का निर्माण से जल्द से जल्द हो। ट्रस्ट की घोषणा हो गई, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने संसद के अंदर घोषणा की है, अब पदाधिकारियों की घोषणा होने वाली है। तो स्वाभाविक है कि अब जब पदाधिकारी घोषित हो जाएंगे, सदस्य घोषित हो जाएंगे तो मंदिर निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त हो जाएगा। अभी भौगोलिक स्थिति वहाँ की देखी जाएगी, उसके उपरांत पहले तो वह भूमि जो है जो अधिग्रहित है उसको प्रशासन जो है सौंपेगा, उसके बाद ही ट्रस्ट को, उसके बाद ही कुछ आगे की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। मैं समझता हूँ जो एक प्रतीक्षा थी लंबे कालखंड की वह समाप्त होने वाली है कुछ ही घंटों में, दिनों में, और हम समझते हैं कि आने वाले दिन जो होंगे वह रामलला के होंगे। वहीं अगर बात करें राजनीति की तो इस बड़े ऐलान के बाद कुछ राजनीतिक पार्टियां भी इस बात पर सवाल उठा रही हैं कि आखिर चुनाव से पहले ही ये फैसला क्यों लिया गया। तो कुछ विपक्षी दलों ने मोदी सरकार के इस फैसले की सराहना भी की। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस निर्णय का, देश के लोगों को बधाई देता हूं, बहुत अच्छी बात है। देखिए कुछ लोग कह रहे हैं टाइमिंग, अच्छे काम को कोई टाइम नहीं होता, कभी भी अनाउंस करना चाहिए, और मैं उन्हें चाहता हूँ आज भी खूब अनाउंसमेंट्स करें, कल भी खूब अनाउंसमेंट्स करें, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे में चाहे जो हो लेकिन राम मंदिर ट्रस्ट बनने से राम भक्तों में तो खुशी की लहर है क्योंकि अब वो उम्मीद पूरी होने जा रही है जिसका इंतजार 500 सालों से था। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस इंडिया को भी सब्सक्राइब कीजिए।